जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज है तारीख 31 और बार है सोमवार। उम्मीद करता हूँ आप सब राजी खुशी होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। हालांकि देखिए अब लोग बोर होने लगे हैं सर, लोग पकने लगे हैं अब, और अब ये जो लॉकडाउन है ना ये थोड़ा सा परेशान करने लगा है। चाहे वो स्टूडेंट्स की बात कर लें या व्यापारियों की बात कर लें, दुकानदारों की बात कर लें। आज 31 तारीख है और कल से नई गाइडलाइन का आप लोगों को इंतज़ार है कि साहब क्या कुछ आया है। तो गाइडलाइन आ भी गई है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट शेयर करें। दूसरी बात, आज देखिए अनछुए पहलू तो नहीं है पर आज मेरी आवाज़ सुनो जो है हमारा मुद्दा वो रहेगा, और उसमें आज एजुकेशन से रिलेटेड हमने मुद्दा रखा है कि बच्चों का या बच्चों की एजुकेशन पर या उनके मानसिकता पर कितना इसका प्रभाव पड़ा है। पिछले 1-1.5 साल से बच्चे जो घरों में हैं, जिन्होंने स्कूल का चेहरा नहीं देखा जा करके, जो स्कूल नहीं गए, अपनी एजुकेशन रेगुलर नहीं रख पाए, पिछले 1.5-2 साल से तो बच्चे प्रमोट ही होते आ रहे हैं, तो क्या उनकी मानसिकता पर फ़र्क पड़ा है, कितना ये जो ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प है ये कितना सही है, इन चीज़ों को लेकर के पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे। अगर कोई भी पेरेंट्स हमें कॉल करना चाहे तो वो कॉल कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट अगर हमसे लाइव में जुड़ना चाहे कॉल के माध्यम से तो वो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, आपके विचार हमें बताएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो फटाफट जो नंबर हैं वो आपके कमेंट बॉक्स में आप जा कर के देख लें, कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दिए हैं हमने, उन नंबरों पर आप कॉल करें जब मैं आपसे कहूँ। अभी पहले मैं खबरें बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम आपको लाइव लेंगे। आज हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, भगवती ग्रुप ऑफ कॉलेज एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं अनुज जी, वो कॉल पर मेरे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम राय लेंगे, उनके विचार जानेंगे कि सर कितना फ़र्क पड़ा है बच्चों की एजुकेशन पर, बच्चों की मानसिकता पर इस कोरोना के काल में। व्यापारी है, अर्थव्यवस्था है, सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हुई हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए हैं सर उनकी एजुकेशन को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो बच्चे भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी स्टैंडर्ड का हो तो वो हमें कॉल करे, अभिभावक जो हैं उनके वो हमें कॉल करके बता सकते हैं, अपने विचार हमें बता सकते हैं कि सर इतना कुछ हुआ है, ये हालत हो गई है बच्चों की, तो वो ज़रूर हमको बताएं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप कॉल करें और हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज की प्रमुख खबरें और फिर बात करेंगे मुद्दों की। देखिए नई गाइडलाइन आ गई मुख्यमंत्री के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है, कोई बदलाव नहीं हुआ सर। उम्मीद बहुत थी, 5% से ज़्यादा कोरोना संक्रमण जहाँ है, जिन ज़िलों में है वहाँ ये थी कि साहब छूट मिल जाएगी, दुकानें शायद 9 से 5 खुल जाएंगी, जो दुकानें अब तक बंद थी शायद अब वो खुल जाएंगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं साहब। अभी भी टाइम वही है, शायद 1 घंटे उसको बढ़ा करके 12 बजे तक कर दिया गया है, 11 तक ही है ना दुकानों का, तो वही टाइम है। और एक्स्ट्रा जो है वो दुकानें कोई खुली नहीं है, उनके लिए कोई अनुमति अभी तक नहीं मिली है। ज़िले से ज़िले में निजी वाहनों को अनुमति ज़रूर दे दी गई है, वो भी प्रातः 5 बजे से और 12 बजे तक, आप अपने निजी वाहन से अगर जाना चाहें इंटर डिस्ट्रिक्ट तो वो हो सकता है, ये ज़रूर इजाज़त मिली है। बाकी सेम बिल्कुल वैसा कि वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं हुआ। और 10 जून के बाद में रोडवेज और प्राइवेट बसें जो है उनका संचालन शुरू हो जाएगा। अच्छा, बैंकों को लेकर के भी आज एक अपडेट आई है, मैं आपको बता देता हूँ। बैंकों का जो टाइमिंग चल रहा था ना 10 से 2, उसकी भी अवधि आज समाप्त होने वाली थी, लेकिन फिर से ये निर्णय लिया गया कि अभी इस टाइम को 7 तारीख तक और रखा जाएगा। 7 जून तक भी अभी यही टाइम रहने वाला है बैंकों का, 7 जून तक बैंकों में सारे काम 10 बजे से 2 बजे तक ही होंगे। तो हालांकि अभी अभी जस्ट वो गाइडलाइन आई है, मैंने उसको ज़्यादा विश्लेषण किया नहीं है, हम पेज पे डाल देंगे आप देख लेना, लेकिन कुल मिलाकर के है कि ज़्यादा तब्दीली हुई नहीं है साहब। और जितनी उम्मीद थी ना लोगों को वो उम्मीदें धराशायी हो गई। व्यापारियों ने भी ज्ञापन भेजा था सीएम साहब को और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि साहब प्लीज़ इजाज़त दे दें, क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए और दुकानें जो है ना बिल्कुल बंद पड़ी है, व्यापार उद्योग सब ठप पड़ा है, कैसे करें, कैसे काम चलेगा, लेकिन नहीं हुई साहब सुनवाई और स्थिति अभी भी यथावत रखी है उन्होंने। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं ना उन्होंने भी यही सलाह दी है कि साहब अभी स्थिति को यथावत रखा जाए। 21 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जिनमें संक्रमण की दर 5% से कम हो चुकी है। हमारे ज़िले की अगर बात करें तो आज पूरे ज़िले में 9 केस आए हैं पॉजिटिव और 45 ठीक होकर के घर चले गए हैं, तो 5% से कम हो चुका है हमारे यहाँ भी संक्रमण जो है। ऐसे 22 से ज़्यादा ज़िले जिनमें 5% से कम संक्रमण हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबर थी कि उम्मीद बहुत थी कि शायद 1 तारीख से साहब कुछ खुलेगा और कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसी राहत अभी कोई मिली नहीं है साहब। अब बात करें दूसरी कि एजुकेशन को लेकर के, तो देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हैं वो फ़िलहाल स्थगित कर दी हैं, जो प्री एमएड की हैं या और जो एग्ज़ाम हैं उनको सबको अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के भी शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि बहुत जल्दी 1-2 दिन में इसका निर्णय कर लिया जाएगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि 10th की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसको तो रद्द कर दिया और सीनियर की वो करवाएंगे। लेकिन अब क्या कह सकते हैं साहब, अगर यहाँ 10th की एग्ज़ाम को करवाया जाएगा तो फिर सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे किस मानसिक स्थिति के साथ में गुजर रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या आशानुरूप वो परिणाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, आपका सिस्टम क्या रहेगा एग्ज़ाम लेने का वो भी देखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा ना हो कि एक जिद के चलते आप एग्ज़ाम करवा दें तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो सब चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ही सरकार कोई निर्णय ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों के भविष्य के लिए भी। रीट को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि एक तो EWS के फॉर्म है, आवेदन है, उनको लेकर के थोड़ा सा मामला चल रहा है और जुलाई तक इसका निर्णय कर लिया जाएगा कि रीट की एग्ज़ाम कब होगी। तो कुल मिलाकर के एजुकेशन सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, व्यापार के साथ साथ उद्योग धंधों के साथ साथ ये भी एक ऐसा सेक्टर है सर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस कोरोना काल में। सरकारों को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा, बच्चों के भविष्य को भी देखना पड़ेगा। और कई जो सामाजिक संगठन हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि साहब जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो आप विद्यालयों को खोले ही नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि 1 तारीख से आपको हमको सबको ये उम्मीद थी कि शायद बहुत कुछ इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन वही बात है कि सरकार ने रिस्क लेना उचित नहीं समझा और ये सोचा कि नहीं और जितने ज़िले हैं उनमें भी अगर संक्रमण तेज़ी से कम होता है तो अच्छी बात है, 7 दिन और सही, क्योंकि ये निश्चित है 8 तारीख के बाद में तो मिलेगी छूट। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि 10 जून के बाद में रोडवेज और प्राइवेट बसें चालू हो जाएंगी, 8 जून के बाद में जो अभी ज़िले से ज़िले में निजी वाहन है उनको प्रदेश स्तर पर भी चालू कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पे पहले 11 बजे तक खुल रहे थे, अब उनको 12 बजे तक कर दिया गया है। तो कोई तब्दीली ज़्यादा नहीं हुई है, सरकार अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन जब तक नहीं आती, वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से नहीं होता है तब तक सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इतने दिन रुके हैं तो सरकार ने कहीं ना कहीं निर्णय लिया है 7 दिन और रुका जाए ताकि जो और ज़िले हैं उनमें भी संक्रमण की रफ्तार तेज़ी से कम हो सके। दूसरी बात, जयपुर सबसे ज़्यादा हाईलाइट था, संक्रमण के केसेस सबसे ज़्यादा वहीं से आ रहे थे, तो जयपुर में भी बहुत तेज़ी से अब केस घट चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सबसे ज़्यादा बम्पर अगर केस कहीं आ रहे थे ना साहब तो जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, इन्हीं से ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब वहाँ भी तेज़ी से ये रेशो गिर रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो उम्मीद थी वो उम्मीद धरी रह गई साहब। कोरोना अपडेट की अगर आज की बात की जाए तो टोटल ही 1498 केस आए, तेज़ी से रिकवर हुआ है, केवल 1498 केस आए, लेकिन मौतें देखिए आप 68 मौतें हुई हैं। और एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 42,754 एक्टिव केस हैं पूरे राजस्थान में इस समय, और 8,000 लोग ठीक होकर के घर गए हैं, तो रिकवरी रेट अच्छी है, 95% से ऊपर है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये खबर है। दूसरी खबर है कि खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग, सर प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो खाद्य सुरक्षा में चयनित जो परिवार हैं उनको जून और जुलाई में निःशुल्क गेहूँ मिलेगा केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वो मिलेगा। तो पहले ही उसकी घोषणा हो चुकी थी, मई में वो आ भी चुका था, लेकिन जून से इसके वितरण का प्रोग्राम था और ये निःशुल्क मिलेगा, 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, अब जून शुरू होते ही आप बिल्कुल राशन डीलर से संपर्क करें और ये आपको मिलेगा। प्रदेश में कल से मिनी अनलॉक है, तो मैंने उसकी बात आपको बताई दी है कि साहब ज़्यादा तब्दीली करी नहीं है, गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो आ गई है, लेकिन उसमें ज़्यादा तब्दीली कुछ भी नहीं हुई है। मेरे साथ पदम जी आ गए, पदम जी बहुत टाइम बाद में आए हो आज, और दर्शक बड़े खपाएं आपसे, मेरा जो मास्क है वो भी आप साथ ले आएँ, बोतल पानी की कहाँ है वो ज़्यादा, अरे सर आज मेरे गले में वैसे ही दर्द हो गया था ठंडा पानी पीने से, तो फिर ऐसा हो जाएगा। चलो आइए पदम जी, थोड़ा सा ज्वाइन करें, केंद्र की वो राज्य सरकार की गाइडलाइन आ गई
और गाइडलाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई है, वही टाइमिंग है, ना कोई छूट मिली है ना कोई राहत मिली है, सेम वैसा की वैसा ही रखा है। और कोई कंफ्यूज होगा तो सुबह दूर कर देंगे कंप्लीट अधिकारियों की बैठ लेकर। नहीं बिल्कुल हम कर देंगे बैठ लेकर के, लेकिन गाइडलाइन आ चुकी है और ये अभी तक का मामला है। और कोरोना के व्यापक असर को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, इस पर हम आज डिबेट करने वाले हैं। एक दो दिन में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के भी निर्णय हो जाएगा। चलिए, और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। अच्छा शेयर भी करते रहें। दूसरी बात, हमारे जो नंबर हैं उन्हीं पर आपको कॉल करना है, जो मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले हम अनुज जी को अपने साथ जोड़ेंगे, उसके बाद में आप उस दौरान हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैं शुरू करूँगा तब। तो जितने भी अभिभावक हैं या स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल हमारे साथ लाइव पर कॉल में जुड़ सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर, शानदार उमस बहुत ज़्यादा है ना, बैठे बैठे घर में, मतलब कूलर और एसी है ना वो भी फेल हैं अब इस वक्त, वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। और धूप पूरे शबा, मतलब सूर्य देवता जो है ना वो साहब आग बरसा रहे हैं और आग उगल रहे हैं। उनको गुस्सा आ रहा है कोरोना पे, और शायद उन्हीं की आग की बदौलत ये है, उन्हीं के गुस्से की बदौलत ये है कि कोरोना बहुत तेज़ी से अब खत्म होता जा रहा है। सूर्यदेव ऐसे लग रहा है जैसे भस्म कर देंगे कोरोना। बिल्कुल, चूरू में सबसे ज़्यादा तापमान रहा 45.6 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे ज़्यादा तापमान गर्मी वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। तो ये खबरें थी सवाई राज्य स्तर की बड़ी। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की, हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं, क्योंकि आज अनछुए पहलू में हम भरतपुर संभाग की पूरी खबरें जो है वो तो उसी में बताते हैं। मेरी आवाज़ सुनो एक अलग प्रोग्राम है, मुद्दों की बातें होती हैं। उप तहसील मित्रपुरा को तहसील में क्रमोन्नत करने के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। अब वो तहसील हो जाएगी, उसको तहसील का दर्जा मिल जाएगा। नई तहसील में 11 तो पटवार मंडल होंगे और 43 राजस्व ग्रामों को इसमें शामिल किया जाएगा। रेवेन्यू विलेज हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो बधाई मित्रपुरा के लोगों को, और अच्छी बात है वहाँ डेवलपमेंट हो, लोगों के काम आसानी से हो जाएं, यही चाहते हैं हम भी। ज़िले में आज 9 केस आए केवल, पदम जी सिर्फ 9 केस आए आज पूरे ज़िले से, और 45 लोग ठीक हुए हैं। धीरे धीरे हॉस्पिटल जो है ना वो खाली होते जा रहे हैं कोविड को लेकर के। बिल्कुल। और जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच में जल्द ही विद्युत इंजन ट्रेन शुरू हो जाएगी। पहले आपको याद होगा अच्छी तरीके से वहाँ डीजल इंजन चला करते थे हमारी जो गाड़ियाँ चलती थी जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच में, उसके विद्युतीकरण का काम तेज़ी से चल रहा था और अब जल्दी ही वो सौगात मिलने वाली है, उससे रफ्तार बढ़ेगी, टाइम का भी थोड़ा सा हो जाएगा। जिला कलेक्टर ने मानसून की तैयारियों को लेकर के और आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियों को लेकर के अधिकारियों से आज बैठक की है, और ये कहा है कि मानसून आए उससे पहले पहले अपनी सारी तैयारियाँ सभी विभाग कंप्लीट रखें, बाढ़ जैसे हालात हों या किसी आपदा की ऐसी कोई बात हो तो उससे पहले सारी चीज़ों को बिल्कुल रेगुलर रखें आप और अपडेट रखें, ताकि उस समय कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। इसके अलावा मैं बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए 935 लोगों को ट्रेनिंग दे करके और प्रशिक्षित उनको किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इनको बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। और जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 635 कोविड केयर सहायक और 300 स्वच्छता गृहियों की RSLDC के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ड्रिप लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, तो इन चीज़ों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि गांवों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का, हेल्थ का, उसको सुधारा जा सके, समय पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सके इसके लिए। और देखिए, अब जैसे बैन चल रही है, बहुत बड़ी राहत दी है सर इस बैन ने, तो इसी तरह नए लोगों को भर्ती करके और फिर उनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। खंडार के गोठ बिहारी गांव में बाघ की चहलकदमी से लोगों में दहशत है, और खेतों के पास एक नील गाय का इसने शिकार भी किया है, हालांकि वन विभाग को सूचना दे दी गई है। इसी तरह चौथ का बरबाड़ा में एक पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी भजनलाल की जो था, तो उसकी जाँच अब CID CV करेगी, ये जांच उनको सौंप दी गई है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें तथ्य निकल करके आएँ, क्योंकि पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई थी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। काफ़ी कुछ हंगामा इस मामले को लेकर के हुआ था। चलिए, तो ये आज की बड़ी खबरें थी। गंगापुर सिटी से कोई बड़ी खबर आज की हमारे शहर से? RLD का कार्य शुरू हो चुका है, ये नए बाजार में आज फिर से खुदा है, नए बाजार से फिर से दोबारा से काम चालू। तो पेच वर्क कर दिया था ना पहले, वो तो जलदाय विभाग का था, अमृत योजना की लाइन डाली गई थी पहले, अब RLD वाले ने आज खोदा है। अब ये क्या डालेंगे उसमें? सिविल लाइन का पाइप डाला। जय हो, पहले उन्होंने खोदा, उन्होंने जोड़ा, अब ये खोदेंगे, फिर कौन जोड़ेगा? यही जोड़ेंगे इन्हीं का पेशवर का काम है, यही करेंगे, यही चल रहा है यहाँ तो। अब ये काम एक साथ नहीं हो सकता था क्या पदम जी?
कॉम्बिनेशन है ही नहीं एक दूसरे में। अगर एक दूसरे में हो जाए तो आम पब्लिक की समस्या खत्म हो जाना। दो बार तो नल टूटेंगे लोगों के, दो बार अब वही समस्या आएगी, वही समस्या है ना। अमृत योजना वाले जो कनेक्शन करके गए सीवरेज वाले उसको तोड़ देंगे। हालांकि बचाने का आज प्रयास किया है, आज उन्होंने एक भी नल को नहीं तोड़ा, आज देख रहे कि मैं उन्हें बता दिया। नहीं आज आप थे ना वो दिन में, इसलिए पीछे आप नहीं होंगे फिर क्या करेंगे। अच्छा दूसरी बात यह है कि अमृत योजना के तहत कनेक्शन शुरू हो चुके हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ जो मैंने कल मुद्दा उठाया था, गंगापुर की बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं सर जिनमें अवैध कनेक्शन लोगों ने कर लिए थे, उनको भी हटाना पड़ेगा। जी जब वैध कनेक्शन ही करेंगे नहीं, वैध कनेक्शन हाँ वही कह रहा हूँ, चक्कर लगाते रहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल पानी तो पिएंगे, पानी के लिए तो वैसे भी त्राई त्राई मच रही है इस समय, पानी तो पीना है ही है ना। लेकिन कुल मिला जो अवैध है उनको वैध कर दो भाई, तुम्हें भीसी तो लेनी है, फार्म भरवा लो उनसे। नहीं मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जब उन्होंने कर ही लिया कनेक्शन तो उसको वैध कर दो ना, कहाँ दिक्कत है। सरकार की भी तो यही योजना है ना, घर घर को कनेक्शन देने की योजना है, तो फिर उनको वैध को जो अवैध है उनको वैध कर दो कनेक्शन देके। तो ये काम चालू हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन अभी भी कोरोना गाइडलाइन के तहत अपनी जो पूरी मुस्तैदी है वो बरत रहा है, और लगातार जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस उपाधीक्षक हैं, ADM हैं, SDM साहब हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पुलिस फील्ड में है, और जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और दोस्तों पानी की सभी गंगापुर सिटी में पानी की इस टाइम मारामारी मछली है। कारण ये है कि जो मंडराल में जो 4 पंप हाउस है उसमें से 2 खराब पड़े हुए हैं, और शीघ्र वो मोटर सही होके आ गई है, 1-2 दिन में वो मोटर सही। हाँ नहीं कल विधायक महोदय ने भी कहा था कि वो शायद है ना आ गई है ठीक होकर के अहमदाबाद से, और वो चालू भी कर दी गई है। नहीं लेकिन मिस्त्री नहीं आया, सेट नहीं हुई अभी वो। अच्छा सेट नहीं हुई है, उनका मिस्त्री का इंतजार किया जा रहा है। हाँ ये मिस्त्री कहाँ से आया आपका, आपके साथ चलिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि बिल्कुल पानी की जो पेयजल की समस्या है वो चल रही है, 2-3 दिन में नॉर्मल स्थिति आ जाएगी। हाँ पूरे गंगापुर में विधायक, हाँ पूरे विधायक महोदय के जो मेहनत है वो रंग लाई है, आखिरकार वो मोटर तो आ गई, मंडल की जो तो खराब वहाँ पे गई थी, अब मिस्त्री का इंतजार किया जा रहा है, मिस्त्री आते ही वो सेट कर देगा, जो 4 पंप हाउस में से 2 पंप हाउस खराब पड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे, फिर पानी गंगापुर सिटी में भरपूर मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए उम्मीद यही करते हैं साहब कि जो पानी के लिए तराई तराई है वो शहर में मिट जाए, लेकिन समस्या ये है कि शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी की किल्लत बनी हुई है, लोग बहुत परेशान है सर, पानी की तराई तराई मछली है ग्रामीण इलाकों में भी, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रोने वाला। हाँ शहर में तो है ना, फिर भी देखो हम चिल्ला रहे हैं या प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है या विधायक महोदय हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र पर भी अब फोकस करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में हालत खराब है सर। अच्छा जी शहर वाले तो तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, चार जुगाड़ करके कैंपर आ रहे हैं लोगों के, व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण वाले क्या करेंगे बेचारे। सर मेरे पास में आज एक ऐसी सूचना आई है कि शहर सोप ये ऐसे गांव है जिनमें 1300-1300 रुपए में टैंकर आ रहा है। आप बताओ 1300 रुपए का टैंकर आ रहा है भाई साहब पानी का, और वो मुश्किल से मुश्किल 5-7 दिन चलता है, बताओ। तो ये कंडीशन हो रही है, तो इस और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली सरपंचों से मेरी दरख्वास्त है कि भाई फील्ड में निकलो, इन चीज़ों को देखो, अधिकारियों से मिलो, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलो, BDO साहब से मिलो, और बिल्कुल अड़ जाओ सर, अड़ना ही पड़ेगा, हक तो मांगना पड़ेगा। जो ग्रामीण लोगों ने आप पे विश्वास जताया उनका मान तो रखो। नहीं बिल्कुल, बहुत सारे गांव हैं सर जहाँ से लगातार ये आ रही हैं कि साहब ग्रामीण क्षेत्र में तराई तराई मच रही है पानी की, और सरपंचों को पता ही नहीं है। सरपंच हालांकि पता भी होगा पर वो प्रयास नहीं कर रहे, और जो प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता भी मिल रही है। तो जितने भी सरपंच महोदय हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ आप जाइए, अपने अधिकारियों से मिलिए, लड़ना तो पड़ेगा सर, जूझना तो पड़ेगा, इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, पानी की बचत के लिए हम बार बार कहते हैं, हर रोज़ कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो जिस तरह आज हमने हवाओं के लिए संघर्ष किया है ना, सांसों के लिए संघर्ष किया है, आने वाले समय में पानी के लिए संघर्ष करना पड़े, और ये होगी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीजन तो फिर भी हमने बना ली, लेकिन पानी बनाया और नहीं जा सकता अगर ये ख़त्म हो गया तो, और बहुत तेज़ी से वाटर लेवल जो है ना वो गिर रहा है सर। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। विभाग के अधिकारियों से हमारा निवेदन है, गंगापुर सिटी में बहुत जगह पानी की जो पाइपलाइन है मेन लाइन लिखी जाए, उनको ठीक करें। कई जगह सर, कई जगह व्यर्थ पानी फैल, बिल्कुल बिल्कुल, कॉलोनी में आगे पानी नहीं बढ़ पा रहा, और एक और व्यर्थ पानी फैल रहा है, हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है सर रोज़, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उसकी बचत करके हम बहुत लोगों को राहत दे सकते हैं। पुरानी मंडी में जैसे कि पुरानी मंडी में कम से कम 50 टैंकर डेली पानी, एक दिन छोड़ के एक दिन कम से कम 50 टैंकर पानी फैलते हैं। नहीं और उदय मोड़ से लेकर के सैनिक नगर तक के भी यही हालात है सर, भी है और कई जगह ऐसा भी है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। चलिए ये आज का हमारा सारा मजमून था, ये कह सकते हैं कि पूरा खबरनामा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करेंगे मुद्दों की और आपके कॉल हम अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अनुज जी से।
भगवती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मालिक हैं, डीएम हैं और एमडी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और इस बात को बड़े बारीकी से और बहुत गहराई से वो समझते हैं कि एजुकेशन का और इस कोरोना का बच्चों पर कितना फ़र्क पड़ा है और कितने बच्चे जो हैं इफ़ेक्टिव हुए हैं। तो अनुज जी से हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। सर, अनुज जी को कॉल लगाया जाए और जितने भी अभिभावक हैं और स्टूडेंट हैं वो भी अपना अपना फ़ोन निकाल लें सर, और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे उन पर आप कॉल करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम आपका कॉल भी ज़रूर लेंगे। राजस्थान में मोटर रिपेयरिंग का मिस्त्री नहीं है क्या, जो मोटर गुजरात से ही सही होकर आती है? बिल्कुल। अभिषेक भाई देखो, ये तो मैंने पहले भी मुद्दा छेड़ा था कि 70 साल में हमें बड़ी ताज्जुब की बात होती है, अगर एक ईवीएम ख़राब हो जाती है ना तो उसको सुधारने के लिए मिस्त्री बेंगलोर से आता है। कितने अफसोस की बात है कि हमारे आसपास हम मिस्त्री भी नहीं बना पाए, किसी को इतना ट्रेंड नहीं कर पाए। ये बड़ी अफसोसजनक बात है, ये सोचनी ये विषय ज़रूर है साहब कि हमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाना पड़ता है। आप देखिए, जो वो थे वेंटिलेटर, उनको स्टार्ट करने के लिए बोले साहब गोवा से आएंगे लोग, वो इंस्टॉल करके जाएंगे। तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है, इन चीज़ों पर टाइम भी बहुत ज़ाया होता है और सुविधाएं लोगों को टाइम पर नहीं मिल पाती। अच्छा जी, 2 साल तक बंद कैद रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल में 11-12 जो वो थे ना वेंटिलेटर, वो बंद पड़े रहे सर साल भर, और फिर अब जा करके उनमें से भी शायद पूरे शुरू हो गए क्या? पूरी तरह से। चलिए, और गंगापुर सिटी में भी राहत की बात है, अब हॉस्पिटल जो कोविड का है वो लगभग खाली सा हो गया। लेकिन इस बात से ज़रूर तसल्ली कर सकते हैं, गांवों में और शहरों में इस बार कोरोना ने एक काम ज़रूर अच्छा किया है कि इसकी वजह से प्रशासन ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर सुधारा है और लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो लोगों ने दिया है साहब। अच्छा जी, हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, जैसे ये कोरोना खत्म हो ऐसा ना करें इनको कबाड़ खाने में पटक दें। हाँ, वही तो समस्या है। अच्छा जी, जिस तरह से पानी की बोरिंग चंबल पर निर्भर हो गया, पूरा राजस्थान चंबल पर निर्भर हो गया इस टाइम, और जो पुराने स्रोत है उनको सबको छोड़ दिया, और जब चंबल धोखा दे जाएगी जब क्या करोगे आप? नहीं बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और देखो इनकी मॉनिटरिंग रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम बार बार यही कहते हैं, देखिए भामाशाह है, जनता है, वो तो आपके लिए दे देगी सारी चीज़ें, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि साहब ये स्थिति यथावत बनी रहेगी, ये सुविधाएं यथावत मिलती रहेंगी लोगों को? मॉनिटरिंग होना और उनका मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी बिजी आ रहा है उनका? अरे जी, सरकार ने और फैसला भी किया है। चलिए आप करते रहना, तब तक हम किसी पेरेंट्स का स्टूडेंट का ले लें अगर कोई लेना देना चाहे। अरे जी, सरकार ने फैसला किया है, अब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की है, तो अब धीरे धीरे जिनका गवर्नमेंट ने जब्त किए हुए थे उनको धीरे धीरे सौंपने की तैयारी कर रही है। हाँ नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ से तिवारी गैस एजेंसी से उन्होंने बहुत सारे 100 के समथिंग वो सिलेंडर लिए थे, कब्जे में ले लिए थे, है ना, तो वो वापस उनको दिए जा रहे हैं, देने का काम भी शुरू कर दिया, वो ज़रूरी भी है, देने का काम शुरू हो जाएगा जल्दी। नहीं, वो भी अच्छी बात है, सरकार के आदेश भी आ चुके हैं इसको लेकर के, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं सर जो अब धीरे धीरे पटरी पर लौटेंगी। लेकिन पदम जी, ये उम्मीद थी हमको कि दुकानों का जो टाइम है वो बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, हो सकता देर रात तक और नई गाइडलाइन आ जाए, जैसे कि यूपी में आ गया। क्या यूपी में शायद 7 से 7? नहीं, यहाँ भी उम्मीद ये थी व्यापारियों को, और ज्ञापन भी दिए गए थे सीएम साहब को कि साहब 9 से 5। अच्छा, दुकानें एक्स्ट्रा एक भी नहीं खोल रहे हैं, वही दुकानें खुल रही हैं जो अब तक खुली हैंगी, अलग से किसी भी दुकान को कोई परमिशन नहीं दिया? हो सकता देर रात और नई गाइडलाइन कोई आ जाए। चलिए, मुझे लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार ने जो सारी चीज़ें हैं ना वो अब 7 तारीख और 8 तारीख तक के लिए टाल दी सर, उसके बाद ही अगर कुछ हो पाएगा तो है, वरना मुझे नहीं लगता कि अभी और कोई तब्दीली हो पाएगी। तीसरी लहर की तो इंतजार नहीं कर रहे? नहीं अब पदम जी, वो तीसरी लहर का कुछ भी नहीं है ऐसा मुझे लगता है, और फिर अब अगर तीसरी लहर की भी हम बात करें ना सर, तो सरकार ने पहले से ही सारी तैयारियां कंप्लीट कर चुकी है। बिल्कुल, अब पूरी तैयारियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों को भी या किसी अभिभावक को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि साहब वो तीसरी लहर है चौथी लहर है। WHO के मुताबिक ये है कि भारत में तीसरी लहर से अब तक किसी बच्चे की ना तो मौत हुई है, 7500 ज़्यादा केस आए हैं 7500 से, ये तो सही है। हेलो हेलो सर, पहले आप ये मोबाइल है ना जो आप जिसे आप लाइव देख रहे हैं उसे थोड़ा दूर रखें सर। जी सर, जी सर। हाँ, अपना नाम बताएं सर। रामचरण गुर्जर सर। रामचरण जी कहाँ से बोल रहे हैं? हबीबपुर, गंगापुर तहसील सर। ओके, रामचरण जी क्या कहना चाहेंगे, कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई को कितना प्रभावित किया है?
सर बहुत ज्यादा कर दिया गाँव में, तो इसकी क्या उम्मीद है क्या सर खुलने की स्कूलों? नहीं अभी तो कोई उम्मीद नहीं है सर, अभी तो कोई चांस नहीं है सरकार का कि ये खुलेंगे जुलाई तक भी या अगस्त तक भी। सर तो गाँव में तो बहुत ज्यादा समस्या है सर पढ़ाई के लिए, बच्चे 1.5 साल से बैठे घर पे, उनके तो हालत बहुत खराब हो गई सर। अच्छा रामचंद्र जी, बच्चों की मानसिकता पर कितना प्रभाव पड़ा है इन चीजों का? देखिए सिटी में तो बच्चे ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है सर। हाँ लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो ऑनलाइन की सुविधा भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही सर यहाँ पर तो ग्रामीण में तो। अभी बच्चे फिलहाल अपना टाइम पास कैसे कर रहे हैं? सर यही खेल कूद के टाइम पास कर रहे हैं सर। है ना, स्कूलों का तो मुंह देखे ही 1.5 साल हो गए बेचारों को। जी सर बिल्कुल हालत खराब है सर, तो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है सर अभी खुलने की। नहीं अभी कोई चांस नहीं है सर विद्यालयों के खुलने का, कुल मिलाकर के यही है अभी तक की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक तो। ओके सर। अच्छा जी न्यूज पोर्टल वगैरह वहाँ देखते हैं क्या हमारे चैनल को? हाँ सर सब देखते हैं, हम रोज देखते हैं सर। रोज देखा पड़ेगा, लाइट को और करवाओ कायम का। सर आपको पता है लाइट को लेकर के तो मैंने विशेष तरीके से कैंपेनिंग चलाई थी, अभियान चलाया था। जी सर है ना, और इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ मैंने उठाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर, देखो काम प्रशासन को ही करना होता है, मीडिया सिर्फ आवाज उठा सकता है। जी सर है ना, और आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। अपने जयन हैं या अधिकारी हैं उनसे बात करें, अगर वो जवाब नहीं देते फोन नहीं उठाते तो बेझिझक इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करें सर। ओके सर। ओके सर। चलिए तो ये हमारे दर्शक थे और बिल्कुल उनका कहना सही है कि देखो शहरी क्षेत्र में तो फिर भी ऑनलाइन क्लासेज अब बच्चे ले रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तो बच्चे बिल्कुल ही महरूम है एजुकेशन से, उनको तो पता ही नहीं चल रहा मैं कौन सी क्लास में तो प्रमोट हो गया, कौन सी क्लास की किताब मुझको लेकर के आनी है। क्रिएटिव स्कूल के जो एजुकेशन ग्रुप के जो MD हैं उनसे भी मेरी आज बात हुई थी, डॉक्टर दीपक राज जी से, और उनका भी ये कहना था कि देखिए ऑनलाइन क्लासेज जो है ना वो सिर्फ एक विकल्प हो सकता है, या बच्चों को स्कूल से जोड़े रखना या उन्हें एंगेज रखना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बस ये हो सकता है, बाकी ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट का तरीका नहीं हो सकता। बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास है तो वो सिर्फ स्कूल में आकर के ही हो सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। हेलो हेलो। हाँ अनुज सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर, और आप जी न्यूज पोर्टल पर लाइव हैं इस वक्त। अच्छा सर। अनुज सर पिछले 1.5-2 साल से बच्चे बिल्कुल एजुकेशन से महरूम हैं, उन्होंने विद्यालय की बिल्डिंग तक जाकर के नहीं देखी, कितना प्रभावित किया है एजुकेशन को और बच्चों को इस कोरोना ने? बच्चों को COVID-19 ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है जी। जो बच्चे शुरुआत करना चाह रहे थे 3 साल के हुए थे, उनको लगभग 1.5-2 साल हो गए बिल्कुल बैठे हुए। हाँ। और जो पढ़ रहे थे उनको भी लगभग 1.5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े। बिल्कुल। अब उससे क्या है बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, मनमानी करने लगा और परेशान करने लगा है। हाँ मानसिकता पर, मानसिकता को बहुत ज्यादा इफेक्टिव किया है इसने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बहुत ज्यादा मानसिकता खराब हो गई बच्चों की। बच्चे क्या है आज हम बच्चों को देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को केवल मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। उनकी दिशा ही बदल गई सर है ना, दिशा बदल गई बिल्कुल। अच्छा इससे अभिभावक भी करें तो क्या करें, अभिभावक क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि हमारे जो हाथ में ही नहीं है उसमें तो हम क्या करें। बिल्कुल, उसमें हम लोगों ने पिछले साल कोशिश भी की थी ऑनलाइन क्लास चलाने की जी, लेकिन ऑनलाइन क्लास का जो फार्मूला है वो आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म हो सकता है या ये एक सक्सेसफुल फार्मूला है? नहीं, केवल ये तो केवल वो क्लास का रूप तो ले ही नहीं सकता, ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन क्लास कक्षा का रूप तो ले ही नहीं सकती। ये तो केवल ये कि समय पास करने के लिए, बच्चों को मन लगाने के लिए, बच्चों को कुछ आगे बढ़ाने के लिए, केवल उसको एंगेज करना है। हाँ जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है उनको केवल नई दिशा देने के लिए ये ऑनलाइन क्लास संभव है, और वो एक कक्षा का रूप नहीं ले सकती। बिल्कुल अनुसर, फ्यूचर अब देखिए धीरे धीरे, अब ये कह रहे हैं कि चलो ये दूसरी लहर है इसका भी अब धीरे धीरे फॉल डाउन हो रहा है और सब कुछ पटरी पर लौटेगा, लेकिन कितना कुछ बदल जाएगा सर, बच्चे जब अब स्कूल पहुंचेंगे तो कितना कुछ किस बदले रूप में पहुंचेंगे, और आपको क्या लग रहा है कि क्या भविष्य होगा, अब सरकार किस तरह तो ये 10th और 12th की एग्जाम करवा पाएगी, क्या संभव लगता है आपको? अब 10th
टेंथ की संभावना तो अभी कम लग रही है। तीन क्लास की तो इनको परीक्षा करवानी है, वो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अनाउंस भी कर दिया है। नहीं वो जरूरी भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए। पिछली बार भी जब इन्होंने एग्जाम करवाए थे तो COVID-19 में बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हुई थी और कई बच्चे इससे ग्रसित हो गए थे। और इस बार तो लहर दूसरी है और अब जो तीसरी लहर आने की संभावना है उसमें तो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये परीक्षा बहुत चुनौती है, बहुत सोच समझ कर बहुत पूरी तैयारी के साथ करवानी पड़ेगी एग्जाम। तो अभी तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं लगता ना सर स्कूलों के खुलने का या एग्जाम वगैरह का? अभी स्कूल खुलने का तो कोई संभावना दिखी नहीं रही। अच्छा हायर एजुकेशन में तो किया जा सकता है थोड़ा सा प्रयोग? हाँ हायर एजुकेशन में ऑनलाइन क्लास संभव है और उसमें बच्चे बड़े होते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और हर बच्चे के पास एंड्रॉइड मोबाइल भी है और सुविधाएं भी है। नहीं तो अगर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में संभव है, कॉलेज की क्लासें अगर खुल दी जाएं, कॉलेज खुल दिए जाएं, हाँ, तो भी बच्चे तो उस गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं, वो तो एजुकेटेड अच्छे हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन सरकार अपने ऊपर लेना नहीं चाहती ना अभी, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए है और जो बच्चे हैं वो 18 साल 20 साल तक के बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और बच्चा क्या है, जब घर से बाहर निकलता है ना कॉलेज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो इन चीजों को भूल जाता है। आज अपन मार्केट में देखते हैं कि जहाँ तक जो बड़े हैं और छोटे बच्चे वो तो फिर भी इसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो 20 से 25 साल तक के 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसका बिल्कुल पालन नहीं कर रहे। अच्छा ज्यादातर देखेंगे ना चालान जो कर रहे हैं मोटरसाइकिल पर घूमने वालों के, वो ज्यादातर इसी उम्र के बच्चों कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं फिर निकलते ही बाहर। बिल्कुल हाँ लापरवाह हो जाते हैं, घर में रहते जब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो अपने यार दोस्तों में अपने मित्रों में भूल जाते हैं सब चीजों को। अच्छा अनु सर मैसेज क्या देना चाहेंगे जो बच्चे अब एजुकेशन से महरूम हैं, जिनके मानसिकता पर प्रभाव पड़ा है, कैसे वो अपने आप को बांध करके रखें, दूसरी बात कैसे इन हालातों से वो सामना कर सकते हैं? मेरा तो सभी बच्चों से यही कहना है और गार्जियन से यही कहना है कि बच्चों को जो भी अपन घर पे बच्चों को रख रहे हैं तो उनको अच्छी अच्छी चीजें अपने बच्चों के साथ में बैठाएं, उनको कहानियां सुनाएं और उनके साथ बैठ के बात करें, अच्छे बुरे समझाएं, यही अपन उनको संदेश देना चाहते हैं। और बड़े बच्चों से ये कहना चाहता हूँ भाई वो अपनी पढ़ाई जारी रखें ऑनलाइन से या जैसे भी हो, कोविड-19 की पालना करें, यही मेरा कहना है। और बाकी फिर अपने आप को क्रिएटिव माइंड के साथ कुछ और चीजों में भी वो नया कुछ सीखने में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनु सर। अच्छा जी न्यूज पोर्टल देखने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता खबरें देखने का? बिल्कुल 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 मिलता है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भारद्वाज जी, आपने मुझे इस जी न्यूज पोर्टल पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमेशा ऐसे ही अच्छे वर्क करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। तो ये थे अनुज जी और देखिए वही बात आई है कि बच्चों के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें सर, उनको और चीज़ों के लिए और आपको मैंने पहले भी कहा है अपनी लाइफ में ये इतना बढ़िया टाइम है सर जिसका हम बच्चों के लिए सदुपयोग भी कर सकते हैं। बच्चों को इतिहास की बातें बताएं, बच्चों को अपने संस्कृति की बातें बताएं, बच्चों को कुछ नई चीज़ें ऐसी बताएं जिनसे वो बहुत महरूम हो गए थे, जिनसे वो दूर हो गए थे, तो ये भी हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मानसिकता बिगड़नी नहीं चाहिए सर बच्चों की, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है। जैसे देखिए ज्यादा जो तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है तो हम बताना चाहेंगे कि जो बच्चों में काफी ताकत रहती है शरीर में और वो हमारा बच्चों से सभी से निवेदन है कि वो बराबर धैर्य बनाए रखे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ये दौर निकलेगा सर, सबसे बड़ी ताकत है धैर्य की, हिम्मत की, अगर आप हिम्मत रखोगे तो कोई तीसरी लहर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। नहीं कुल मिलाकर के और दूसरी बात ये है अपने आप को एंगेज रखें किसी ना किसी चीज़ में। देखिए ये तो सही बात है कि ऑनलाइन क्लासेज जो है ना वो सिर्फ एक विकल्प हो सकती हैं, बाकी ये स्थायी चीज़ें नहीं हैं। एग्ज़ाम को लेकर के मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, टेंथ की एग्ज़ाम तो शायद नहीं होगी लेकिन ट्वेल्थ की एग्ज़ाम करवाना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी राजस्थान सरकार के लिए। क्यों कि तीसरी लहर भी आ रही है, अगस्त सितंबर में भी आएगी तो फिर करवाओगे कब, कैसे करवाओगे? दूसरी बात इसका सिस्टम क्या होगा? हालांकि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि साहब सेंटरों की संख्या हम बढ़ा देंगे,
ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। तो देखिए सरकार चिंतित है और सरकार करवाना भी चाहती है, लेकिन सरकार को उसी हिसाब से सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, कई जगह हमने देखा चर्चा में सुनी है कि कोरोना कितना समझदार है, ये पहले बूढ़ों को पकड़ेगा, फिर जवानों को पकड़ेगा, अब बच्चों को, बच्चे के बारे में सुन रहा है। नहीं वो ये ना कि बहरूपिया है ना, अलग अलग रूप बदल रहा है अपने। लेकिन देखिए जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। लड़ उन हालातों से सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं, सामने हैं, लेकिन जो प्रकृति कर रही है उसमें तो हमारा भी बस नहीं चलता। लेकिन बच्चों की मानसिकता पर बहुत फ़र्क पड़ा है एजुकेशन को लेकर के। अच्छा, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे इनके लिए और बेरोज़गारों के लिए मैं अलग से एक प्रोग्राम करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। जितने भी बच्चे प्रतियोगी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे थे, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उनका क्या, उन पर कितना फर्क पड़ा है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो अब बैकफुट पर चली गई है ना, वो परीक्षाएं कितनी खिसक गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उस युवा वर्ग को प्रभावित किया है जो अपनी आँखों में नए भविष्य के सपने देख रहा था कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, मैं अब पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन फाइट करूँगा और मेरी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। लेकिन वो सपने भी कहीं ना कहीं उसके धुंधले हो गए, तो उन पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। बेरोज़गारी की समस्या, वैकेंसी को लेकर के क्या होगा, क्या वो सोचते हैं, इसको लेकर के एक अलग से सेपरेट प्रोग्राम मैं आपके साथ ज़रूर करने वाला हूँ। हेलो अजय जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम आरिफ है। क्या नाम? आरिफ। आरिफ, अच्छा आरिफ भैया, कहाँ से बोल रहे हो? गंगापुर सिटी से। ओके आरिफ सर, क्या कहना चाहोगे? सर ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पांचवी क्लास तक के बच्चे हैं, चलो बड़े बच्चे हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं फिफ्थ क्लास तक के, अब ये लोग जैसे दो दो साल प्रमोट हो गए, तो इन जब ये स्कूल खुलेंगे, मान लिया जाए अगले साल स्कूल खुल गए जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, कभी भी से खुल गए, तो इनको कवर करने में तो कम से कम 6 महीने 7 महीने तो इनको कवर करने में लगेंगे, क्योंकि बच्चा एक दो साल बंद होने से 2 साल पीछे और चला गया। बिल्कुल 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 सही है। हाँ ये सही बात है, पढ़ा था ना वो भी, वो पीछे चला गया। नहीं बिल्कुल, और उसकी मेमोरी से वो सारी चीजें ही इरेज हो गई, डिलीट हो गई वो सारी चीजें। सर बच्चा जो थर्ड क्लास में है ना, वो नर्सरी क्लास के बराबर के लेवल पर आ गया, मान के चलो। अच्छा अभी घर में बच्चे सिर्फ धमा चौकड़ी करते हैं या क्या करते हैं? मोबाइल में मस्त। अरे सर पूरे दिन वो मचाते हैं, कोई काम नहीं है उनका। अच्छा, उनका अगर मोबाइल देके, आप छोटे बच्चों को मोबाइल देके ऑनलाइन भी अगर पढ़वाओ तो ऑनलाइन सिर्फ होमवर्क कर लेंगे, मान लिया जाए तो होमवर्क करने के बाद उनको ये है कि जो दिमाग में बिठाने वाली चीज है ना, जो स्कूल में बिठाते हैं, बिल्कुल एक टीचर ही बिठा पाता है कि इसको कैसे याद करना है। नहीं और ये तो सही है आरिफ भाई कि स्कूल का अपना एक एनवायरमेंट होता है, हाँ है ना, वहाँ बच्चा सब कुछ सीखता है अपने यार दोस्तों के साथ, टीचर के साथ रूबरू होकर के। और यहाँ तो खेलने में तो क्या, जैसे होमवर्क कर लिया तो वो दबाव के कारण सिर्फ होमवर्क कर लेगा, सिर्फ एक मेंटली होमवर्क करके दे देगा वो, लेकिन उसके वो अंदर जो दिमाग में जमनी चाहिए, जो होमवर्क का मकसद होता है कि वो चीज उसको याद होनी चाहिए, वो चीज नहीं होती है। अच्छा आपकी नाक में कितना दम कर रखा है बच्चों ने? अरे सर नाक में तो क्या दम करेंगे, वो तो बच्चे देखो, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, सबके बच्चे अच्छे नहीं, भी हैं अब लॉकडाउन में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा अरे भाई कि है ना, कुछ नई चीजें भी बच्चों को सिखाएं और इनके साथ एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड जरूर करें। क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज होती है, जो स्कूल वो जो किताबों वगैरह में जो पढ़ाया जाएगा, वो चीज तो पूरी माइनस हो गई ना। नहीं बिल्कुल सही बात है, और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है सर इसने। चलिए अरे भाई, आपका चैनल बहुत अच्छा है। देखते हैं या नहीं देखते आप? इसको डेली सर, डेली। अच्छा सारे घर वाले? हाँ सारे घर वाले, सबके पास अलग अलग मोबाइल है, पापा जी वगैरह सब देखते रहते हैं। चलिए कहाँ पे रहते हैं अरे भाई आप? उदय मोड़ पे। अच्छा अच्छा, चलिए तो चैनल ठीक लगता है आपको? अरे सर A1 नंबर 1 है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। तो ये हमारे एक दर्शक थे आरिफ भाई, और देखिए फिजिकल अपना और होगा नहीं, हाँ कई चीजें आने वाली हैं सर इसमें। अब आपको मैं बताऊं, बच्चे स्कूल ही नहीं गए, वो स्कूल वाले तो फीस मांगेंगे नहीं। अच्छा, और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने भी और छोंकड़ लगा दिया अपना मसाला कि साहब वो तो देनी पड़ेगी, आदेश हैं उसके तो। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहूँगा कि स्कूलों ने खुद ने अच्छा डिसीजन लिया है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सर जो 70% और 80% फीस ही ले रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है पेरेंट्स को, और ये बहुत अच्छी इंसानियत है उनकी कि, क्योंकि देखिए अभिभावकों के बीच में और स्कूलों के बीच में घरेलू संबंध है सर, अच्छे संबंध हैं, उनको एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस महामारी की अवस्था में। कहीं ना कहीं स्कूलों का जो योगदान है ना वो भी महत्वपूर्ण है, और अभिभावकों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं साहब जिन्होंने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और कुल मिलाकर के ये है कि अब
बेरोजगार की तरह बैठे हुए हैं पेरेंट्स, तो साहब क्या करें, जिनकी सरकारी नौकरी है, महीने की तनख्वाह आ रही है या इनकम है वो तो चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं सर जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके सामने बहुत समस्या है। और समस्या उनके टीचर उनके भी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नाम बताएं सर अपना। सर मैं राजगुर्जर बोल रहा हूँ, नर्सिंग छात्र संगठन से, जिला अध्यक्ष करौली से। ओके सर, वहाँ चैनल देखते हैं आप हमारा? जी सर देखता हूँ मैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से आपके माध्यम से कि ये कोविड में जो नर्सिंग स्टाफ को आप यूट्यूब के आधार पर लगा रहे हो, आप वहाँ जैसे भी लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, उसी के आधार पर मैं सरकार से बताना चाह रहा हूँ कि आप ये कोचिंग बंद करवा करके नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी आ रही है एम्स की है और जो गवर्नमेंट की है, हाँ। उनको भी तो क्लास में लगाना चाहिए, अगर वो मान लड़ रहे हैं तो वहाँ भी कोचिंग कर सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि उनकी जो एजुकेशनल सेक्टर है वो भी जारी रहना चाहिए था। जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जी सर, नॉर्सेट की एग्जाम आ रही है और हजार स्टूडेंट उसमें अपने भविष्य को जमाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका कोई भविष्य नहीं है सर, वो अंधकार में जी रहे हैं अभी जिंदगी। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और विराज भाई, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो युवा है ना, युवा उनके सामने अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि वो मझधार में है इस वक्त। जी सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना सर, जब योद्धा भी है, ये लड़ भी रहे हैं और इनको ये एजुकेशन नहीं मिल रहा, तो फिर सबसे बड़ी है ना उसका, उसके साथ तो खिलवाड़ हो रही है नर्सिंग स्टाफ के साथ, तो बहुत बड़ी वाली प्राइवेट स्टाफ है जो उसको शोषण कर रहे हैं इनके। नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसके लिए आप लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने कोई कैंपेनिंग चला रखा है? मैं दो बार ज्ञापन दे चुका इस चीज को लेकर के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा आप एक काम करना, एक बार मुझे कल परसों में जब हम ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे तब भी एक बार मुझे जरूर कॉल करना आप, तो हमारे साथ क्या एक्सपर्ट होंगे तो वो भी आपका कुछ सवालों का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सर, आपकी इतनी बड़ी मुहिम करने। नहीं बिल्कुल सर, हम आपकी मुहिम को आगे बढ़ाने में जरूर योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके तो देखिए, ये करौली से हमारे दर्शक थे और उन्होंने भी अपना दर्द बताया, अपनी पीड़ा बताई है। क्या कह रहे हैं सर, रीट तैयारी वालों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, अभिषेक जी कह रहे हैं। अभिषेक भाई बिल्कुल, देखो रीट के तो सपने इतने बढ़िया थे लोगों के, स्टूडेंट्स के, कारण ये है कि रीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बैठने वाले थे, ठीक है, और लगातार कोचिंग कर रहे थे। जनवरी में ही कमरे का जो है ना किराए का कमरा लेकर के और साहब पढ़ाई शुरू कर दी थी, कोचिंग स्टार्ट भी हो गई थी, ज़िंदगी कुछ मुस्कुराने लगी थी, लेकिन उससे पहले पहले फिर होठों पर फेविक्विक लग गया और सब खामोश हो गए। तो बिल्कुल ये तो सही बात है कि रीट जो है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठने वाले थे सर। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि आज शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जुलाई में जा करके इसका निर्णय लिया जाएगा कि रीट होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। तो बिल्कुल असमंजस की स्थिति है और रीट के जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। चलिए इसके अलावा और कोई मेरे ख्याल से दर्शक नहीं है और हमने आपको टाइम दिया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जो दर्शक जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल ज़रूर करें। लेकिन कुल मिलाकर के उम्मीद करता हूँ आज का ये मुद्दा आपको अच्छा लगा होगा, एक अच्छा टॉपिक था। फिर भी मैं इतना कहूँगा, अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर करें और सब कुछ पहले की तरह होगा सर, लेकिन क्या करें, टाइम तो लगेगा, वक्त लगेगा, ऐसे में बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी सकारात्मक सोच की और सकारात्मक एनर्जी की ज़रूरत है। बस बच्चों का मोरल ना गिरने दें, उनको हमेशा जागृत रखें और एक्टिव रखें और उनका ख्याल भी रखें सर, ताकि हम वो जो तीसरी लहर है ना उसको अवॉइड कर सकें। डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसी तीसरी लहर या कुछ भी नहीं है, अभी तक हिंदुस्तान में अच्छी सिचुएशन है और जिन परिजनों को, जिन अपनों को हमने खोया है उनका दर्द तो हम शायद ज़िंदगी भर, वक्त का जो मरहम है ना वो धीरे धीरे उस घाव को भर तो देगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि दुख हमेशा रहेगा कि इस कोरोना ने बहुत कुछ छीना है, जब हमसे अपने छीन लिए, बच्चों से एजुकेशन छीन ली, व्यापारियों से व्यापार छीन लिया, लोगों से रोज़गार छीन लिया और आर्थिक स्थिति बेपटरी हो गई, तो बहुत कुछ छीना है। और ये आने वाली पीढ़ियों को एक उदाहरण रहेगा सर कि हमारे टाइम में जो आज हमारे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, इनको जब हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब इनको समझाएंगे कि जब तुम छोटे थे तब बताएंगे ज़रूर कि इतिहास का वो डेढ़ साल दो साल ऐसा गुजरा था जब ज़िंदगी थम गई थी और पूरी दुनिया घरों में कैद थी, और ये वो टाइम था जब पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे बिना पढ़े दो दो बार प्रमोट हो गए, ठीक है ना। तो ये ऐसा है सर, क्योंकि इतिहास तो दोहराता है और कहीं ना कहीं करवट लेता है, तो वही करवट लेने वाली स्थिति है सर, लेकिन निकलेंगे इस दौर से और आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हमारा लोगों से कहना है कि ये खराब वक्त निकल जाएगा, लेकिन जो गरीब आदमी है आपके आसपास में, कोई भी अगल में बगल में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, ये जरूर देख लेना
क्योंकि बुरा वक्त निकलने में कुछ देर नहीं लगेगी लेकिन बात अमर रहेगी। नहीं बिल्कुल, इंसानियत का परिचय ज़रूर दें। और एक कहानी है ना कि एक बार एक जंगल में आग लगी और जंगल के सब जानवर जो हैं वो अपने अपने हिसाब से योगदान दे रहे थे और उस आग को बुझाने के लिए, और भाग दौड़ करके और उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक कौआ था जो उस पेड़ एक पेड़ पर बैठा था, वो सबको देख रहा था उनको। चलिए एक और दर्शक है, उनको ले लेता हूँ। हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। ऋषिकेश मीणा बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ ऋषिकेश जी, दिल्ली से बोल रहे हैं। हाँ सर, क्या हाल है सर? बस ठीक है सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ऋषिकेश सर, क्या विचार है आपके इस बारे में? विचार है सर, थोड़ा पानी के मुद्दे पर बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, मुद्दा तो वैसे एजुकेशन का था, पर चलिए आप पानी पर बोल दीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए ऋषिकेश सर। सर ये पानी की समस्या क्या है, गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और ना तो हमारे विधायक महोदय का ध्यान है इस पे और ना ही सांसद महोदय का। देखो सांसद महोदय की तो बिल्कुल, अब मैं क्या कहूँ, उनका तो योगदान सिर्फ इतना ही है कि वो आते हैं थोड़ा बहुत बंदरों को केले खिला करके और चले जाते हैं। बाकी विधायक महोदय तो अब बहुत सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने कल परसों भी मीटिंग ली है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक दो दिन में गंगापुर शहर की जो वो है ना समस्या पानी की। हाँ वो तो है, लेकिन सांसद महोदय क्या है कि बिल्कुल ही अभी तक वजीरपुर तहसील के जिन्होंने गांव ही नहीं देखे। हाँ बिल्कुल ऋषिकेश सर, मेरे पास भी आज किसी दर्शक ने एक मैसेज भेजा था कि शायद हमारे गांव में तो उन्होंने कभी आकर के ये नहीं देखा कि इधर कोई गांव भी है। हाँ सर, मैं वैसे पीलोदा गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन कभी भी सांसद साहब ने आके गांव को नहीं देखा। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, और आप भी जानते हो कई बार इस तरह के कटाक्ष वाले प्रश्न हम भी पूछ चुके हैं कई उनसे, और विधायक महोदय तो विधायक महोदय भी साहब दौरा तो कर रहे हैं लेकिन उनके सिर्फ आधा चल रहे हैं। पानी में पीलोदा के लिए पानी की एक योजना थी, वो पास तो कर दी इन लोगों ने, उधर रोड सारा रोड खोद दिया गांव का। हाँ बिल्कुल, मैं देख के आया था सर उसको, लेकिन अभी तक तो नल चालू नहीं हुए सर, बरसात आने वाली है। अच्छा, उसमें ना एक एक गड़बड़ी थी और उस गड़बड़ी को अब ठीक कर लिया गया है ऋषिकेश सर। हाँ सर, है ना, और उम्मीद ये करते हैं। दरअसल क्या, वो दो पंप हाउस में जो दो मोटरें थी ना वो खराब हो गई थी, जो अहमदाबाद से सुधर करके वो आ गई हैं अब, और उम्मीद ये करते हैं कि क्षेत्र को जो पानी मिलता था ना पहले, हाँ सर, वो कल से या परसों से शुरू हो जाएगा। और सर हमारे ये पांचना मांग के मुद्दे पर तो कोई भी नेता सामने नहीं आता। सब शांत पड़े हैं सर, सब शांत पड़े हैं, हम थक गए इस मुद्दे को उठाते उठाते, आम आदमी बेचारा परेशान हो गया, मगर ताज्जुब यह है कि किसी के भी कानों पर जू नहीं रेंगरी सर। ऋषि भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक महोदय को ध्यान देना चाहिए। सब लोग क्षेत्र के नहीं, इस क्षेत्र इस मामले में तो सिर्फ बातें हो रही हैं सर, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। भाई मैं बताना चाहूंगा, चुनाव आएंगे ना जब इसको बात को करेंगे नेता लोग, तो चुनाव में तो सर अब की बार हमने ठान लिया है, अब की बार हम दिखा देंगे। चलिए चलिए, अच्छा ऋषि भाई, जनता अब जाग चुकी है। नहीं बिल्कुल, और हमारे पास में डोडा गांव है सर, 70 हाँ, साल से महानंदपुर डोडा, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, महानंदपुर डोडा में तो सरपंच ही नहीं है, चुनाव ही नहीं हो रहे वहाँ। सर 70 साल से कांग्रेस को वोट देता रहा है वो गांव, और अभी तक उनको पीने को पानी नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं ट्रेन से गांव गया था रात में 1 बजे गाड़ी से, स्टेशन से मैं जा रहा था तो बेचारे ट्रैक्टर में ड्राम लेके पीलो था चंबल जो पॉइंट लगाया ना सरपंच पुत्र अजराज मीणा जी ने, वहाँ से भर के ले जा रहे पानी पीने को, उनसे पूछो क्या दशा है। अब बताओ इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी, जबकि वो विधायक महोदय के बहुत पास में ही है वो गाँव। हाँ विधायक महोदय के भी है, पूर्व विधायक ने भी कभी जाकर ही नहीं देखा कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ। मैं भी मुद्दा उठाऊं, विपक्ष वालों का तो काम है ना। बिल्कुल उठाना चाहिए सर, और ये तो क्या है कि सरकार आती है जाती है, दोनों कांग्रेस का हो तो बीजेपी हो, कोई का ध्यान नहीं है उस काम के ऊपर। अच्छा लेकिन एक बात जरूर है ऋषिकेश सर, कि इन चीजों के लिए हम भी शायद उतने ही जिम्मेदार हैं, हमने क्या है सवाल करना ही बंद कर दिया सर। हाँ सर ये बात सही है ना, हमने अपने हक की लड़ाई लड़ना बंद कर दिया। हम क्या है आजकल एक ही रटा रटा डायलॉग बोल देते हैं, साहब हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे आपने सुना ही नहीं रहे, अगर आप सुना ही दोगे तो सुननी पड़ेगी। लेकिन मैं तो सर आपके माध्यम से विधायक साहब को, पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी को, बिल्कुल बिल्कुल जौनपुरिया जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप पाचना बांध पर थोड़ा ध्यान दो, और गांवों में क्या है कि पानी की तराई तराई मची हुई है। नहीं बिल्कुल ऋषि भाई, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा ये उठाया है, और आपको ध्यान होगा हम बहुत पहले से इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं सर, ऐसा कोई मंत्री हमने नहीं छोड़ा जिससे इस सवाल को पूछा ना हो। अगर सर 2-5 साल में पानी नहीं आया ना तो इस गांवों के लोग तो क्या है कि पैसे वाले लोग तो टैंक डला देते हैं, लेकिन गरीब लोगों की क्या हालत है सर। सर लोग आत्महत्या करेंगे।
ये कंडीशन है, काम छोड़ देंगे। बहुत बुरी पोजीशन है सर, काम में आज भी 70% लोग गरीब रहते हैं। अच्छा, पाचना अगर खुल जाता है तो बहुत कुछ सूरत बदल जाएगी। आज ना खुल जाता है तो सर पानी आराम से 50-60 फुट पे कुओं में पानी आ जाता है, इस क्षेत्र की 47 गांवों की काया पलट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि भाई, आप किस पोस्ट पे हैं, नौकरी करते हैं वहाँ? सर मैं रक्षा मंत्रालय में LDC पोस्ट पे हूँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड। हमारा चैनल देखते हैं वहाँ पे? बिल्कुल सर, मैं बम्बई में था तो देखता था, मैं कमेंट भी करता था, बम्बई में था तो वहाँ भी देखता था, बहुत लोग देखते थे। अब दिल्ली में हूँ, आप देखते हैं लोग और हम डेली देखते हैं आपका, इंतजार करते रहते हैं कि कब आपका चैनल आए। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आप कमेंट भी करते हैं, टॉप फैन में आप हमारे। हाँ सर, लेकिन सर आप थोड़ा डेली आया करो, हमारा तो यही कहना है कि डेली करो और थोड़ा टाइम को ना जल्दी फिक्स कर दो, क्योंकि बहुत लोग है ना, मैं देखता हूँ, इंतजार करते हैं आपका। नहीं नहीं बिल्कुल ऋषि भाई, और देखो हम बहुत कम सोर्सेज के साथ फिर भी ये कोशिश करते हैं कि आप तक हर खबर पहुँचे और सटीक खबर पहुँचे। सर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा थोड़ा सा जी, जो पिलोदा में जो एक्शन साहब काम कर रहे हैं ना, हाँ ठेकेदार साहब, एक बार आप उनसे लाइन पे लेना किसी दिन, की ये मैटर कहाँ फंसा हुआ है। अच्छा एक काम करेंगे आप ऋषि सर, वैसे तो मैं भी कोशिश करूंगा, वहाँ हाँ। जो काम कर रहे हैं ना उनके नंबर मुझे प्रोवाइड करवा देना आप। हाँ सर मैं आपको नंबर दूंगा लेके। हाँ बिल्कुल, आप मुझे नंबर प्रोवाइड करवा देना, मैं कल ही उनसे इस काम की अपडेट ले लूंगा। हाँ सर, ओके सर, ऋषि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरा। हाँ। वो ट्रैक्टर वाला मैटर था ना, उस आदमी का मैं देख रहा था। हाँ अवैध खनन वाला, वो खनन का मामला, वो सर वो हो गया क्या, सॉल्यूशन नहीं हुआ उसका? नहीं, उनकी मेरी खनन विभाग के अधिकारियों से बात हो गई, अभी क्या है उनकी ड्यूटी इसमें लगा दी है कोविड में। हाँ सर, तो उनके संज्ञान में वो आ चुका है और उन्होंने कहा कि सर हम जल्द से जल्द कर देंगे इस काम का सॉल्यूशन, हमको पता है कि वो हमारे द्वारा मिस्टेक हुई है। चलो ठीक है सर, है ना, उसका जरूर करवाएंगे हम 100%। ओके सर, ओके सर, थैंक यू ऋषि भाई, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। अब ये है मामला, और देखिए हर तरीके का दर्द है जो लोगों का छलकता है पाचना को लेकर के। तो अब पाचन ये सुनते क्यों नहीं है पदम जी, मेरे समझ में नहीं आया, जब सबको पता है पाचना के नाम पे राजनीति हो रही है। माननीय पायलट साहब ने भी चुनाव के टाइम पे वादा किया था लोगों से, यहाँ के लोगों से, लेकिन वो भी भूल गए। हमारे तो ये लफड़ा ही समझ में नहीं आ रहा, शिकायत करे तो किससे करे, चुनाव के टाइम पे वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं और बस आश्वासन देते हैं, बस आश्वासन। और जब आपको पता है कि पानी के लिए तराई तराई मच रही है और पाचना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, तो मेरे समझ में नहीं आता कि इस पर गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं आप। हमारा अच्छा जी, हमारा लोगों से किसान ना कांग्रेस का ना बीजेपी का है साहब, किसान किसान है, आम आदमी प्यासा मर रहा है, कम से कम इतना ध्यान तो दे लो। अच्छा जी, हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से और नेताओं से कहना है कि कमांड एरिया के लोगों को विश्वास में लो पहले, जब तक आप कमांड एरिया के लोगों को विश्वास में नहीं लोगे समस्या का समाधान नहीं होगा। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं सर। दानिश खान। सर पहले वो जो मोबाइल है ना उसको दूर रखें आप, जिससे लाइव चला रहे हैं। हेलो, हाँ अब बोलिए दानिश भाई, कहाँ से लाइव पे रहे सर? नहीं लाइव पे ही तो चल रहे हैं अभी, आप पीछे इस पर नहीं आ रहे। आप तो बात बताइए, मुद्दा बताइए, हमसे बात करिए, कहाँ से बोल रहे हैं सर? ये हमारे त्योहार पे कोरोना आता है और दूसरे के त्योहार पे कोरोना चल जाता है, इस पर क्या राय देंगे आप? सर आपको लगता है कि आपका ये प्रश्न सही है, त्योहार देख करके कोरोना थोड़ी आता है? और त्योहार पे तो खुल जाता है ये लॉकडाउन। क्यों, दीपावली पे कैसा था कोरोना? उस वक्त भी तो लोगों ने घरों में कैद होकर के दीपावली मनाई थी। खुला था बाजार गए थे? नहीं खुला तो था, पर कितना खुला था, वही गाइडलाइन का पालन करके ही तो खुला था, पूरा खुला था। अच्छा तो फिर मतलब आपको ये लगता है कि जानबूझ करके आता है? नहीं, हमारे त्योहार पे ही बंद हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता है। आपका ये नहीं तो आपका ये कहना है क्या भाई? सरकार देख के लाइए त्योहार को। भाई आपके कहने का उद्देश्य क्या है वो मुझे बताइए। नहीं, ये मुस्लिम त्योहार पे ही लॉकडाउन लग जाता है, सख्ती ज्यादा होती है। नहीं तो जब बीमारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, तो इसमें मुसलमानों का हिंदुओं का त्योहार क्या करेगा बताओ? बीमारी तो मुसलमान को भी होती है और बीमारी हिंदू को भी होती है, बीमारी का कोई मजहब थोड़ी होता है। तो ये मस्जिद पे ज्यादा सख्ती क्यों होती है फिर? नहीं होती नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ लोग पालन करते हैं गाइडलाइन का? करते हैं। कितना पालन करते हैं? हमने कई बार आपको दिखाया है। क्या दिखाया है? कि भाई वहाँ लोग कितना पालन करते हैं बताइए गाइडलाइन का, उनको करना चाहिए ना। पर ये मस्जिद पे ज्यादा सख्ती क्यों करते हैं? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये चीज आप प्रशासन से पूछो, वैसे तो हम तो क्या कहें, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये लोग पालन करते हैं क्या? मीडिया आप तो है ना, आप ही तो बात बताओगे। नहीं मैं कैसे बताऊँ सर, प्रशासन का काम तो हाँ कौन सी सख्ती करनी है ये तो प्रशासन डिसाइड करता है ना। देख ले, हमारे दो त्योहार, तीन त्योहार, चार त्योहार आए, एक भी नहीं मना।
नहीं तो बहुतों के नहीं माने सर, आप त्योहार की कह रहे हो, डेढ़ साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो नहीं दिखा आपको? दिवाली कोई भी आएगा वे सब मनेंगे, आपको बता देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, राखी आएगी अब राखी मनेगी। तो अब है ही नहीं, क्या करें कोरोना, अब आ जाएगा एक दो महीने बाद तो आ जाएगा मियान का, उस पे कोरोना आ जाएगा। नहीं सर, गलत सोच के साथ बात कर रहे हैं आप, इस तरह के भी दर्शक हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। जब इस तरह की बात हो गई तो एक वो अलीगढ़ वाला मामला आया था, आपने देखा सुना, अलीगढ़ वाला वैक्सीन को लेकर वैक्सीन लगाई जा रही थी वहाँ पर, एक नेहा खान के एक थी नर्स, उसने 29 डोज जैसे थे वो इंजेक्शन लगाए थे, लेकिन उनको खाली मात्र पिन चुपो के छोड़ दिए और उनको वहाँ पर फेंक दिया गया था कूड़े के दान में मिली। और जब इनका इसका वीडियो भी वायरल हुआ और उसको नेहा खान को सस्पेंड भी किया इसमें, और गिरफ्तारी भी शायद हुई है उसकी। हाँ नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी नए आए हैं आज, शायद कोई एक नया मुद्दा राजस्थान में भी उठाता कि डस्टबिन में बहुत सारे वायरल मिले थे। नहीं अजय जी, ये गंभीर मामला, ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 29 लोगों को सीरीज इंजेक्शन लगा दिया गया था, लेकिन उनके सिर्फ पिन चुबोती थी वो नर्स। अच्छा, अंदर नहीं डाला, अंदर पिन, खाली पिन चुबोती थी वो खाली मात्र, और बाकी दवाई को कूड़े में फेंक देती थी। तो एक दर्शक ने उसको देख लिया, उसको वीडियो बनाया और उसका वीडियो वायरल कर दिया। जब वहाँ पर जाँच हुई तो अन्य स्टाफ से भी पूछा गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और जांच जारी है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं साहब, है ना, अब इसको क्या कहें, इसको कहते हैं गंदी और घटिया मानसिकता, कि वो पता नहीं किस सोच के साथ में इस तरह का उसने अंजाम दिया इस काम को। जब सरकार ने आपको डोज दी है और लोगों की हिफाजत करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए आपको खुदा ने ये काम बख्शा है, तो आपको तो ममनून होना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारा दर्शकों से निवेदन है, जो नया खान ने किया वो सही किया या गलत किया, दर्शक कमेंट करें। ऐसा नया खान को जो मरीजों के ऑक्सीजन उसको नहीं करना चाहिए था, और लोगों का कहना था कितनी सच्चाई है कितनी सही सच्चाई नहीं है, ये एक जांच का विषय है। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुआ एक एम्बुलेंस कर्मी का, कि वो अपनी एम्बुलेंस को किराए के देने के चक्कर में हॉस्पिटल में जा करके और मरीजों की जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको बंद कर देता था, बताओ। हालांकि पुलिस को बाद में उसका पता चल गया, उसका रिमांड भी बढ़िया खींच दिया पुलिस ने। ऐसे इतने वीडियो हैं सर जो वायरल हो रहे हैं, और लोगों की जो हकीकत है ना, सच्चाई है, वो सामने निकल करके आ रहे हैं। और हम तो बार बार ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर अपने आप को ये सोचते हो ना कि कोई आपको नहीं देख रहा, तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं आप, कोई चीज़ नहीं छुपती। अब एक छोटा सा वीडियो वायरल होता है ना, जिसमें हंगामा हो जाता है साहब, और कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ता है फिर पुलिस को भी, प्रशासन को भी, और लेना भी चाहिए। अगर कोई इस तरह कर रहा है, किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई इस तरह की घटिया सोच के साथ काम कर रहा है, तो ये गलत बात है। तो वो चीज़ है कोयला का वीडियो, आज आप देखना ना पेज पे जाके, है ना, क्या शानदार है, क्योंकि नशे का कारोबार तो बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है हमारे यहाँ, क्या कहना इस बात के लिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आज का जो मेरी आवाज़ सुना है वो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद यही करते हैं सब कुछ वापस वैसा की वैसा ही पटरी पर लौटे, सरकारें डिसीजन लें बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, वापस वैसे की वैसे चीज़ें शुरू हों, बेरोज़गार जो बैठे हैं नए नए सपने अपनी आंखों में सजाए, उनकी एग्ज़ाम हो और वो नए भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ाएं, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये कोरोना जो है ना, इसको धीरे 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 हम भारत से बिल्कुल विदा कर देंगे, ऐसी उम्मीद है, अगर हमारा सबका आपका साथ इसी तरह मिलता रहे तो। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और पदम जी लाइव कम चल रही हैं प्रशासन के द्वारा भी, और कल जो गाइडलाइन आएगी उसको सबसे पहले आपको बराबर दिखाएंगे, है ना, उसको लाइव करना है ताकि लोगों को तक जानकारी, एक वैक्सीन को लेकर के प्रतिदिन बराबर, है ना, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, आने वाली है उसकी भी जानकारी देंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उम्मीद करें आपको मेरी आवाज़ सुनो का जो ये है, इसमें हम खास मुद्दों को लेकर के आते हैं, और अगला मुद्दा जो होगा ना वो बिल्कुल मैं वादा करता हूँ बेरोज़गारों के लिए होगा, कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए होगा, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।